रोटी पराठा बनाया, लड्डू डेट्स ऑरेंज और आलू और बटन की सब्जी। गुड मॉर्निंग, देखते मम्मी क्या कर रही है। क्यों उड़ी मर रहे? पे बनाया मसाला पराठा और चाय। हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, क्या कर रहे तुम? पीछे आ गए, ये देखो ऐसे मस्ती करते रहते। चलो कंप्लीट करो पढ़ाई। आज मेरा टेस्ट है, आज मेरा क्लास है, आज टेस्ट है मराठी का। रही कम क्या मराठी का मैथ्स का, तो कर लो ना बेटा। और मैं कर रही हूँ एडिटिंग, और बेटा अगर एक कर रहे मैं कर लिया, बेटी भी कर लिया, तो पापा ऑफिस चला गया, तो आज के क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या क्या दिन भर होता है। तो चलो एडिटिंग कंप्लीट कर लेती हूँ। आज बनाया ग्रीन पीस आलू की सब्जी, रोटी और वो जो मीठा वाला रोटी आता है वो बनाया। चलो अभी टाइम हो गया 1:20, और अभी ठंडी का दिन ना, सब काम करते करते थोड़ा लेट हो जाता है, और बच्चे लोग घर पे है तो लेट उठ रहे, तो इसके लिए ज़्यादा ही लेट हो रहे। तो पहले वो लोग को क्लास करने के लिए लंच करा दिया, और मैं अभी पूरा काम कंप्लीट करके बैठ गई लंच करने। भाजी बहुत ही स्वादिष्ट हो। अभी मार्केट में ताज़े ताज़े हरे मटर आ रहे ना, तो कल दिखाया आप लोग को ये कैसे साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं, वैसे बना के डीप फ्रीजर में स्टोर करके रखिए, और साल भर हरे ताज़े मटर की मज़ा लीजिए, एंजॉय कीजिए। बहुत सारा रेसिपी में यूज़ होता है। तो अभी तो फ्रेश फ्रेश मिल रहा है, जब भी फ्रेश रहता है मार्केट में तो वही बनाती हूँ, जब भी मार्केट में अवेलेबल नहीं रहते तो तभी मैं वो फ्रोजन मटर बोल सकते हैं, ग्रीन पीस बोल सकते हैं, तो वो मैं तभी इंजॉय करती हूँ, हर सब्ज़ी में ऐड करती हूँ, नहीं तो कुछ कचौड़ी बनाया हो, समोसा बनाया हो। पहले मैं वीडियो के लिए डीमार्ट से खरीद के लाते थे, और खुद ही बना के रखती हूँ, और एक चीज़ बनाती हूँ, तो ये साल तो दाम कम नहीं हो रहा है, तो ये साल शायद नहीं कर पाऊँगी, नहीं तो टोमेटो सॉस घर पे बहुत ईजी से बना सकते हैं, थोड़ा सा कम हो जाए रेट फिर मैं बनाऊँगी, और ज़्यादा रहेगा तो नहीं बनाऊँगी, क्योंकि 50 रुपीज़ किलो बना के इतना मेहनत करके कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि टोमेटो सॉस उसमें आ जाएगा, और टोमेटो सॉस का जो टेस्ट टेस्ट ताजे अभी टोमेटो आता है ना, तो वो लेके आके कम रेट रहेगा ना, 20 रुपया 10 रुपया, तो उसमें लेके आती हूँ ज़्यादा क्वांटिटी में, और ऐसे बना लेती हूँ घर पे, पहले भी बना के रखा था, और अभी ये 2 साल से नहीं कर रहे क्योंकि रेट कम नहीं हो रहा है, अभी ये साल देखते हैं। सुबह सुबह ना इतना काम कर रहे थे, बेटी का पढ़ाना अभी ओरल स्टार्ट हो गया, मराठी का ओरल कंप्लीट हो गया अभी, और एक मैथ्स का है, तो उसको पास भी बैठना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, तो उसमें ज़्यादा कुछ वीडियो नहीं होता, जो होता है सबको तो साथ जरूर शेयर करूँगी। तो चलो मैं कर लेती हूँ लंच इंजॉय, बाद में मिलती हूँ। सैंडविच बहुत टेस्टी बनने वाला है, जिसमें गैस भी यूज नहीं होगा, सोच सकते हैं आप, गैस भी यूज नहीं होगा, इतना अच्छा रेसिपी, और खाने में तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ये आप किसी भी टाइम बना सकते हो, बस आपके पास मोनाको बिस्कुट होना चाहिए और ये इंग्रेडिएंट्स, फिर आप बना दो, बस इतना टेस्टी लगेगा कि क्या ही बोलूं। और मैं चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो की तरह।
Hey guys, जैसे कि आपको मैंने बोला ही कि अभी मैं मोना को सैंडविच बनाने वाली हूँ, उसके लिए हमें चाहिए मोना को बिस्किट्स और पोटैटो, बॉयल पोटैटो और कोरिएंडर लीव्स, टोमेटो, ऑनियन, चाट मसाला और ये नमक और ये शो भुजिया, टोमेटो सॉस, ये सब हमें चाहिए। तो गाइस, उसके लिए हमें इस बॉयल पोटैटो है ना, उसके अंदर पहले हम डालेंगे ये टोमेटो। टोमेटो को चम्मच से डालते हैं, कोरिएंडर लीव्स, ऑनियन, इसको भी हम मिक्स करेंगे। उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर चाट मसाला, थोड़ा सा ही डालना है, इतना सा स्वाद। अब मैं इसके अंदर नमक डालूंगी, नमक स्वाद अनुसार ही होना चाहिए, पूरा नहीं डालेंगे, इसलिए हम थोड़ा सा और डाल देते हैं। बस हो गया, इतना भी नमक नहीं होना चाहिए। अब हम इसको मिक्स करेंगे, मिक्स हो गया। चलो, बहुत टाइम लग गया वैसे मिक्स करने में। तो गाइस, अभी ये जो पोटैटो का ये मिक्सचर बना है ना, इसको अभी मैं सर्कल शेप में कन्वर्ट करूँगी। देखिए, थोड़ा सा लेती हूँ हाथ में, थोड़ा सा और लेती हूँ, थोड़ा ऐसे किया। अब एक मोना को इसको लूँगी, ये ऐसे हल्का हाथों से बनना पड़ता है सब कुछ। तो गाइस, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, मैंने इसको प्रेस कर दिया इसके अंदर, और अभी इस पर थोड़ा थोड़ा सा अभी टोमेटो सॉस लगा देंगे। टोमेटो सॉस अपने हाथों से भी लगाऊंगी। ये मैं पूरी तरह से सही तरफ फैला दिया है मैंने। अभी मैं इसको इसमें डिप करूंगी भुजिया में। वाह, कितना माइंड ब्लोइंग लग रहा है, मुझे तो मन कर रहा है अभी मैं खा लूँ तो नहीं खा सकती ना, वीडियो करना मुझे। अभी और भी बनाती हूँ, वैसे मुझे बहुत टाइम लग जाएगा सब बनाने। तो इसके अंदर मैंने पोटैटो की स्टफिंग अंदर भर दिया है। तो फिर अभी इसको मैं ऐसे लगाती हूँ। टोमेटो सॉस कहाँ हो तुम, यहाँ पे। अभी मैं इसको लगाऊंगी, देखिए इस तरीके से पूरी तरफ फैलाना है। मैंने बहुत सारे पहले ही से पोटैटो में कर दिए है, उनके अंदर पोटैटो भर दिया। इसके बाद अभी मैं उस पर सॉस लगाती हूँ, निकल आ जाइए। तो फिर अभी मैं इसके अंदर डिप करूँगी। वाओ, ये पार्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है डिप करने का, देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। तब मैं इस ऐसे और बनाती हूँ। ये देखिए, ये फिर से ऐसे लिया, और ये एक बिस्किट का पार्ट और टोमेटो सॉस। और इसको मैं थोड़ा सा प्रेस करती हूँ हल्के हाथों से, टोमेटो को ऐसे, टोमेटो सॉस को। टोमेटो सॉस में क्यों लगा रही है बताओ? क्योंकि ये जो टोमेटो सॉस है ना, खाने में भी अच्छा लगेगा, और ये शेव भुजिया है ना, वो भी चिपक जाएगा, इसलिए मतलब स्टिक हो जाएगा। तो गाइस, ये जो है ना, इसको मैंने बस जैसा कि आपको बता ही दिया कि फिर कि मैं टोमेटो सॉस क्यों लगा रही हूँ, ताकि ये चिपक जाए, स्टिक हो जाए, मीन्स आप ऐसे करके ही लगाइए। हाँ, नहीं तो ये क्या बोलते हैं, अगर ऐसे करके नहीं लगाया ना, ऐसे सीधा डिप मत करना, उससे क्या बोलते हैं, उसके ऊपर का भी लग जाता है ना, फिर खाने में मज़ा नहीं आता, दिखने में भी अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए आप वैसे करके मत कीजिए। जैसे हो गया, और मैं इसको थोड़ा ऐसा फैला देती हूँ। चलो चलो, डिप करने का पार्ट मेरा फेवरेट है, और यही फेवरेट पार्ट आज मैं कर रही हूँ। देखिए, मुझे सारी चीज़ों को डिप करना बहुत ज़्यादा पसंद है। देखिए, इतना सारा
तो फिर इसको मैंने कर दिया है। देखिए ये भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब ये सिर्फ लास्ट बचा है और मैं इसको और भी अच्छे तरीके से करना चाहती हूँ, इसीलिए अगर आप एक लाइक करेंगे तो ये बहुत अच्छा बनेगा। मुझे लगता है आपने लाइक नहीं किया, इसलिए अच्छा नहीं बनेगा। जल्दी से करो लाइक, फिर बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। लगता है अभी सभी ने लाइक का बटन दबाया है, इसलिए अच्छा बन रहा है थोड़ा थोड़ा। चलो अभी अगर ये अच्छा बन गया तो फिर मैं समझ जाऊँगी कि लाइक का बटन दबाया है तुम लोगों ने, आप लोगों ने मीन्स। चलो सॉफ्ट का तो हो गया, लेकिन मुझे अभी भी कंफर्म नहीं है कि आपने लाइक का बटन दबाया है। ये देखिए, और इसको भी मैं इसके अंदर डिप करूँगी। एक काम करती हूँ, इस बार मैं इसको ऊपर से रखती हूँ। वाह, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे अच्छा लगता है। लगता है आपसे मैंने लाइक का बटन सच में दबाया है, इसलिए इतना अच्छा बना लास्ट वाला। वाओ वेरी नाइस, सैंडविच बनके तैयार हो गया। हाँ, लेकिन इसमें अभी भी कुछ मिसिंग है, तो चलो ऊपर से अनार चमका दो। हाँ, गार्निशिंग के लिए। समझ गई, इसको मैं ऐसे ऐसे गार्निशिंग करूंगी। देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है दिखने में, बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है। अभी देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। मम्मी अभी भी कुछ मिसिंग है। नहीं नहीं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है खाने के लिए बेताब। नहीं नहीं, अभी भी बहुत कुछ मिसिंग है। चलो गार्निशिंग कर देते हैं। ओ सेव भुजिया ऊपर से। हाँ सेव भुजिया बहुत टेस्टी लग रही है मम्मी, खाते बढ़ता है ना। यस क्या मस्त लग रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद है। अगर पसंद आया इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को ये करना सब्सक्राइब। आज बनाया पोस्टो राइस, अभी टाइम हो गया 10:00 और हम लोग डिनर करने बैठ गए। और ये देखो बच्ची लोग कैसे होते हैं, टीवी नहीं खुलोगी तो मोबाइल चालू, कुछ देख के बिना खा नहीं सकते बच्चे लोग आजकल कैसे हो गया। बहुत गर्म आज एग्जाम कैसे रहा? आज का एग्जाम टीचर ने मुझे बहुत गुड बोला। कौन सा एग्जाम था आज? आज इंग्लिश का था और मैं और नहीं नहीं इंग्लिश का नहीं था, मराठी मराठी देखो मोबाइल में इतना घुस गया ना, मराठी को इंग्लिश बोल रहे, सोचो। पोस्ट तो बहुत टेस्टी बना एकदम झकास। सच्ची में बहुत टेस्टी बना। खसखस का भाजी, पोस्ट तो मींस खसखस का भाजी, बंगाली लोग का बहुत फेवरेट है, हमारा तो उधर एवरीडे खाते हैं, वेज रहा है नॉन वेज रहा है पोस्तो तो खाएगा ऐसे। मिर्ची का परसेंटेज सही है, सब कुछ बराबर है। कल ना रात को बहुत हम लोग टेरिस पे जाके एंजॉय किया, घूम रहे थे ये नीचे देखा तो कम ये जा रहे थे, फिर बाद में आकाश की तरफ देखा एक कंदील का जैसे जा रहे थे, तो वो सब बहुत कुछ बातें किया। आकाश कंदील लोग उड़ाते हैं, तो उसको रखेंगे इधर होता है। फिर आके ये किया, गेम खेला, फिर दूध पिया, फिर सो गया। और आज उसका एग्जाम था, इसके लिए सुबह सुबह ज़्यादा कुछ वीडियो नहीं शूट किया,
आप तो जीत पकड़ के बैठा था, मम्मी एग्जाम होने के बाद मुझे वीडियो करने का तो क्या करने का वीडियो, छोटा बच्चा लोग बिना कुकिंग का क्या बनाएंगे। वो सोचते सोचते मैंने सोचा, अरे मुना को बिस्किट लाया तेरे लिए, तो चलो उसमें कुछ बना दे। बोला कैसे बनाओ मम्मी, बिस्कुट तो बिस्किट होता है, मान लो उसमें बहुत कुछ वैरायटी होता है। फिर सैंडविच बना दिया, इतना टेस्टी बना ना, उसको पापा ऑफिस से आया, उसको सरप्राइज दिया, दादा को खिलाया, मुझे खिलाया, बहुत अच्छा लगा, है ना बेटा? कैसा लगा? बहुत टेस्टी। अच्छा ना? तो वो सैंडविच बना के नाश्ता सब पिज्जा भी कर दिया। पिज्जा बनाने वाला हो ना? तो हम लोग ना सब वो जो सैंडविच बनाया था बहुत चाव से खाया, और आज ही बोला मामी मना को सेस हो जाएगा, एक्चुअली मना को इतना लाते नहीं, मेरी बेटा ज़्यादा पसंद है, बेटा का पढ़ले जी पसंद है, तो मना को ज़्यादा लाते नहीं, तो वो उसके लिए लाया, तो बोला वो ख़त्म हो जाएगा मम्मी, मुझे बहुत पसंद है, तो ये लाना काला पिज्ज़ा बना दूँगी, चलेगा? और चीज़ वगैरह सब तो मेरे घर पे रहता है वीडियो के लिए। मैं बोला ठीक है कल बना देना। और पॉपिट चॉकलेट बनाया था, बहुत सब लोग इंजॉय किया, बहुत लोग को बांटा भी, और पॉपिट जेली पॉपिट और चॉकलेट बनाने का उसका मन है, देखते हैं। आगे आगे क्या बनाते हैं, जो भी बनाए मेरा बेटी आप लोग को जरूर शेयर करूंगी, आप लोग भी देखिए, और आपको घर पे छोटा बच्चे लोग रहेगा तो उन लोग को ऐसे बना के वो लोग भी खुश हो जाते हैं। छोटा बच्चे लोग ना छोटे छोटे में बहुत खुशी होता है, कुछ बनाया ना इतना बड़ा बड़ा डांस कर रहे थे, उड़ी मार रहे थे ना, मोलाई मार, इतना खुशी हो गया, उछल कूद। हम लोग थोड़ा टेरिस में नहीं जाएंगे, है ना, आज गेम खेलेंगे, फिर बाद में हल्दी दूध पी के सो जाएंगे। आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।